पहले देखते हैं कि राज कचौड़ी में क्या क्या डाला जा सकता है। बहुत सारी चीजें लोग डालते हैं और बहुत फेमस हो चुकी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो राज कचौड़ी है आप देखिए एकदम काफी क्रिस्प है दोनों तरफ से, और बीच में से इस तरह से नॉर्मली तोड़ दिया जाता है इसे। और अब इसके अंदर बाकी कुछ डालेंगे, क्या क्या डाल सकते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम सिंपल आलू से। ये आलू जो है हाथ से थोड़ा सा उबला हुआ आलू मसल के इसके अंदर डालते हैं, और इसके साथ इसमें आप डालें उबले हुए मूंग या मोठ, इसके साथ साथ चना, उबला हुआ चना मसाले में लगा हुआ। मसाले में आप नमक, नींबू, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ये सब डाल सकते हैं। इसके साथ इसके अंदर पापड़ी डाली जा सकती है, जैसे हमने गोलगप्पे बनाए। पापड़ी बनाने के लिए या तो जो गोलगप्पे फूले नहीं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो पापड़ी बनाने के लिए जब आटा गूंदे तो थोड़ा सा उसके अंदर घी या तेल डालें, और उसको बेलने के बाद थोड़ा सा कांटे से एक दो छेद कर लें, वो फूलेंगे नहीं। और अब फेंटी हुई दही के अंदर कुछ पापड़ी भी इसके अंदर डाल देते हैं, और दही भल्ले दही में डुबोकर हल्का सा तोड़ लें, और अब इसे डालते हैं इसके अंदर। दही में डूबे हुए दही भल्ले डालने के बाद में इसमें हम कुछ मसाला डालते हैं। पहले भुना हुआ जीरा पिसा हुआ थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, नमक काला नमक डालते हैं इसमें हम, लाल मिर्च पाउडर, और अब इसमें डालते हैं पहले मीठी चटनी। ये जो चटनी है आप इमली की चटनी और गुड़ की चटनी इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो इमली और खजूर की चटनी इसमें डाल सकते हैं। ये मीठी चटनी मेरे तो बनाते बनाते मुंह में पानी आ रहा है। इसके साथ साथ दही, उसके बाद हरी चटनी यानी पुदीना, धनिया और हरी मिर्च। हरी मिर्च जितना ज़्यादा डालेंगे उतना बढ़िया स्वादिष्ट टेस्ट आएगा। थोड़ा सा नींबू का रस, एक बार फिर थोड़ी लाल मिर्च, और ऊपर से सेव, थोड़ा हरा धनिया, एक बार फिर थोड़ा जीरा। और अब आप चाहें तो इसको इसी तरह से सर्व करें। जिसको पूरा खाना है तो पूरा खा सकते हैं, नहीं तो शेयर भी कर सकते हैं। कैसे खाना है वो भी मैं बता देता हूँ, खैर इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि मैं इसको खा सकूँ। हाँ, ये देखिए कितनी क्रिस्प ये चीज़ बनी है, इसकी जो बाहर की कवरिंग है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। आप लोग क्या इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी जाइए बनाइए राज कचौड़ी और खा के देखिए कितना मज़ा आता है। चलिए, नहीं तो मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ आपको, बढ़िया बढ़िया चाट खिलाता हूँ। और उसके बाद भूलिएगा नहीं, आपने देखा है पानी पूरी, लेकिन उसका पानी कैसे बनाते हैं। भारतीय भोजन और चाट का चोली दामन का साथ है। जब भी हम बाजार में घूमने या शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है चाट पकौड़ी के स्टॉल्स और ठेलों पर। हम कितना भी मनाएं अपने आप को, लेकिन फिर भी चाट के बिना रहा ही नहीं जाता। कभी कभी तो हफ्ते में 2-3 बार चाट हो जाती है। भारतीय खाने में वैसे तो काफी चटपटापन है और तरह तरह की चटनियाँ हमारे खाने का अभिन्न अंग है। वैसे चटनियाँ पाचन प्रक्रिया में भी सहायता करती हैं, लेकिन चटनियों का तालमेल चाट के साथ एक अद्भुत ही स्वाद पैदा करता है। शायद इसीलिए मुझसे भी रहा नहीं जाता चाट पकौड़ी के बिना। राज कचौड़ी की फिलिंग के लिए 2 उबले हुए आलू कटे हुए, 1/2 कप अंकुरित मूंग या उबली हुई मूंग, 1/2 कप उबला हुआ चना, 10 से 12 मैदे की पापड़ी, 1 कप दही, 4 दही के भल्ले, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 कप इमली की चटनी, 2 बड़े चम्मच हरी मिर्च की चटनी, 1/2 कप सेव और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके लिए सबसे पहले तली हुई कचौड़ी लेकर इसके बीच में एक बड़ा सा छेद करें, और इसमें उबले हुए आलू, अंकुरित मूंग या उबली हुई मूंग, उबला हुआ चना, दही में भीगी हुई पापड़ी और मसला हुआ दही का भल्ला डालें, और ऊपर से भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, इमली की चटनी, दही, हरी मिर्च की चटनी, सेव
और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे सर्व करें।